नमस्कार दोस्तों, एक बार नए वीडियोज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पहुंच चुके हैं हजरत निजामुद्दीन। आज के इस वीडियोज में हम आपको बताएंगे हजरत निजामुद्दीन का रेड लाइट एरिया आप कैसे जाएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आप रेड एरिया के पास पहुंच सकते हैं। रेड लाइट एरिया कितने दूरी पर हजरत निजामुद्दीन से, हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन और यहीं से हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हजरत निजामुद्दीन का रेड लाइट एरिया जो कि यहां से आपको जीबी रोड जाना पड़ेगा, जो कि ऑटोज या फिर आप टैक्सी लेके जा सकते हैं। मेट्रो से निकलने के बाद आपको सामने जो दिख रहा है यहां से आपको ऑटोज वगैरह मिल जाएगा। यहां से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि आपको 10 से 50 रुपया लेंगे वो ऑटो वाले और आपको पहुँचा पड़ता है। तो उसके नियरेस्ट में हम आपको बता दें कि जब भी आप सर्च करेंगे तो उसके ब्लू लाइन पड़ता है, जो कि पिंक लाइन पड़ता है, जो कि पिंक लाइन में आपको देख सकते हैं यहाँ पे सराय काले खां निजामुद्दीन लिखा हुआ है। उस मेट्रो में आपको बैठना है, सराय काले खां निजामुद्दीन लिखा हुआ रहेगा। जब भी आप सर्च करेंगे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी आपको मिल जाएगा। मेट्रो स्टेशन जाएंगे, वहाँ से आपको राजीव चौक जाना है, राजीव चौक से पिंक लाइन का मेट्रो पकड़ना है और पिंक लाइन का मेट्रो पकड़ के आपको यहाँ पे आना है। सराय काले खां निजामुद्दीन लिखा हुआ रहेगा, पिंक लाइन में आप जब भी देखेंगे उसी मेट्रो स्टेशन में उतरना है। मेट्रो स्टेशन में उतरने के बाद आपको 2 नंबर गेट की ओर निकलना है, जो कि आप देख सकते हैं ये 2 नंबर गेट है। और 2 नंबर गेट की ओर निकलेंगे तो ये सबसे नियरेस्ट पड़ता है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए। तो यहाँ से निकलने के बाद आपको यहाँ से कुछ ही दूरी पे है जो कि ऑटोज वगैरह आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं ऑटोज वगैरह लगातार यहाँ पे लगी हुई रहती है, ऑटो के सहारे आप जा सकते हैं। या फिर यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे होटल भी है जहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए यहाँ पे रुकना तो रुक भी सकते हैं, उनके लिए होटल का सुविधा है। यहाँ से अगर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो आपको यहाँ तकरीबन यहाँ से आधे घंटे लग जाएंगे, जो कि आपको ओला वगैरह उबेर वगैरह कैब के सहारे भी जा सकते हैं या फिर आप ऐसे भी जा सकते हैं। ये देख सकते हैं ये है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का मेट्रो स्टेशन, जहाँ के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जब भी आप आते हैं तो इसी मेट्रो स्टेशन में आपको उतरना पड़ेगा, 2 नंबर गेट की ओर निकलना है। अगर 1 नंबर गेट की ओर निकलते हैं तो आप सराय काले खां का जो बस स्टैंड है उस ओर आप पहुँचेंगे और वहाँ से नज़दीक पड़ेगा। तो 2 नंबर गेट की ओर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पड़ता है। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के नियरेस्ट में कौन सा मेट्रो स्टेशन है, तो आपको बता दें कि हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के नियरेस्ट में यही मेट्रो स्टेशन है, जो कि आपको लिखा हुआ है सराय काले खां मेट्रो स्टेशन निजामुद्दीन। तो इसी मेट्रो स्टेशन में आपको उतरना है और मेट्रो स्टेशन में उतरने के बाद आप यहां से पैदल भी जा सकते हैं या फिर आप यहां से ऑटोज वगैरह जो लगी हुई है सामने देख सकते हैं, ऑटो हमेशा आपको यहां पे मिल जाएगा। इन ऑटो के सहारे भी आप जा सकते हैं, तो ऑटो हमेशा यहां पे रहती है अवेलेबल। इसके साथ साथ खाने पीने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, शुद्ध शाकाहारी से लेकर सभी होटल यहाँ पर अवेलेबल मिलता है, ATM की सुविधा मिलती है। और आप देख सकते हैं हमेशा जो है यहाँ पर जो ऑटोज है वो लगी हुई है, अलग अलग ऑटोज लगी हुई है। टिकट वगैरह अगर आप नहीं कटवाएं तो यहाँ से भी टिकट कटवा सकते हैं, यहाँ से भी आपको टिकट मिल जाएगा अवेलेबल। और अगर आप कटवा लिए हैं पहले ही तब तो बहुत ही अच्छा है। इसके सामने ही देख सकते हैं सराय काले खां का जो बस स्टैंड है वो सामने ही है, जस्ट सामने ये मेट्रो स्टेशन के बगल में। पैदल यात्रा यहाँ से पैदल जाएंगे तो आप सराय काले खां का बस स्टैंड जा सकते हैं और वहाँ भी आप जो है जो भी काम है जहाँ का बस आपको पकड़ना है जिन जगह का, चाहे आपको जयपुर जाना है या फिर अन्य जगह पर जाना है, तो उन सभी जगह के लिए आपको यहीं से जो है आपको बस लेना पड़ेगा, जो कि सराय काले खां बस स्टैंड से लेना पड़ेगा। तो सराय काले खां बस स्टैंड भी जस्ट बगल में है और यहाँ से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी बगल में है, तो काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और जो लोग आते हैं वो यहीं पे आते हैं। तो जब भी आप अनेक दूसरे राज्य से आ रहे हैं और आपको हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन उतरना है, वहाँ से आपको सराय काले खां निजामुद्दीन के लिए 10 रुपया ऑटो वाला लेगा, यहाँ पे आना है और यहाँ से मेट्रो लेके आप अनेक जगह पे दिल्ली के कोई भी हिस्सों में जा सकते हैं। अगर आप निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं तो जिस जगह से आप जाना चाहते हैं वहाँ से आप मेट्रो लें और सराय काले खां जो कि पिंक लाइन में पड़ता है, सराय काले खां निजामुद्दीन रेलवे मेट्रो स्टेशन, उस मेट्रो में आपको बैठना है पिंक लाइन वाले में और इस जगह पर आपको उतरना है, तो हमेशा आपको अवेलेबल मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी जो गाड़ी का है। तो इस तरीके से आप आ सकते हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। ये था इन्फॉर्मेशन, आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको बता दें कि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में जाने के लिए सबसे पहले आपके पास टोकन होना चाहिए या फिर आपको कार्ड लेना पड़ेगा, मेट्रो कार्ड, उसके सहारे आप जा सकते हैं। मेट्रो कार्ड से आप जा सकते हैं या फिर आपके पास टोकन होना चाहिए। यहाँ से राजीव चौक की अगर किराया की बात करें तो 30 रुपये आपको लगभग लगेगा, जो कि यहाँ से आप राजीव चौक जा सकते हैं।
तो ये है मेट्रो स्टेशन जिसका हम वीडियो आपको दिखा रहे थे, और इसी के बगल में सरायख्वा लिखा बस स्टैंड भी है, और इसी के बगल में सारी चीज़ें की सुविधाएँ हैं। तो यहाँ से आप जा सकते हैं, सारी जगह पे आप घूम सकते हैं, और आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले वीडियोस में हम फिर मिलेंगे, और ये मेट्रो स्टेशन का था। अभी हम अंदर जाते हैं, अंदर भी आपको दिखाते हैं क्योंकि कैसे आप अंदर जाएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में अंदर भी एक बार आपको ले चलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप टिकट ले सकते हैं और बुक करा सकते हैं। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो ये मैडम जो बैठी हुई है ये आपको टिकट दे देगी, जहाँ भी जाना है वहाँ का आप टिकट यहाँ से कटा सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। इसके बाद एंट्री होगा, चेक होगा, उसके बाद अंदर आप जा सकते हैं। मैप भी यहाँ लगाया गया है, तो मैप के माध्यम से भी आप जान सकते हैं कौन सा